हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल, और सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिएगा, आज गाइज अपन बात करेंगे सेट नंबर 26 की। 25 सेट अपन कवर कर चुके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपनी सीरीज चल रही है। तो फटाफट जुड़ जाइएगा सेशन के साथ में, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने जो अपना लास्ट सेशन था सेट नंबर 25, उसमें अपने स्किप किया था क्योंकि अपने को कुछ पता नहीं था इसके बारे में, इंग्लिश टर्म्स का। देखिएगा सबसे पहले अपना क्वेश्चन है आज का, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कैंसर, क्षय रोग, आदशक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर बनेगा इसका? यह था अपना सेट नंबर 25 से का क्वेश्चन है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अपना आदशक। आदशक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान में रखना है। और आदशक होता क्या चीज़ है इसके बारे में भी आपको देखिएगा। आदशक दो तीन टर्म्स और होती है, एक तो हो गया आदशक जिसको अपन सिफिलिस या उपदंश भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, सुजाक, आदशक और उपदंश, जिनको इंग्लिश में बोलते अपन गोनोरिया, सिफिलिस। ये जो डिजीज है ये अपन कह सकते हैं जिस तरीके से एड्स फैलता है उसी प्रकार से ये डिजीज फैलती है। तो ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर तीनों टर्म्स आ जाए, इंग्लिश टर्म्स आपको ध्यान में रखना है गोनोरिया, सिफिलिस, और हिंदी टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है सुजाक, आदशक, उपदंश। ओके, और HIV, वेरी गुड मॉर्निंग। और HIV इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARS क्या चीज़ है? संचार प्रणाली, वायरस से होने वाली कोई बीमारी, कवक से होने वाली कोई बीमारी, या इनमें से कोई नहीं। क्या कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरस से होने वाली बीमारी है, कवक से होने वाली बीमारी है, क्या होता है SARS? तो गाइस यहाँ पे अपना आंसर जाएगा वायरस से होने वाली बीमारी, विषाणु जनित रोग बोलेंगे। और ये होता क्या है इसके बारे में देखिएगा, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, इसको अपन SARS COV भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस ग्रुप के जीवों का डूबने की वजह से मृत्यु हुई है ये पता लगाने में इम्पोर्टेंस है? डायटम, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ, लाइकॉन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायटम। डायटम ग्रुप है, इनके जीवों को अपन ये पता लगा सकते हैं कि इनकी डूबने की वजह से मृत्यु हुई है। तो डायटम ग्रुप आपको ध्यान में रखना है। डायटम होता क्या चीज़ है? सूक्ष्म शैवालों का ग्रुप होता है, सूक्ष्म शैवालों का ग्रुप होता है जो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? पादप पलवक इनमें होता है। ध्यान में रखना है डायटम क्या चीज़ है, सूक्ष्म शैवालों का एक ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके अंदर केमिकल चेंज नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन। एक अंडे का पकना, एक आइस क्यूब का पिघलना, केक का बेकिंग करना यानी केक बनाना, और केले का सड़ना। रासायनिक परिवर्तन किसके अंदर नहीं हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आइस क्यूब का पिघलना। इसके अंदर जो आपका आइस क्यूब है वो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में आ जाती है? द्रव अवस्था में। तो इसके अंदर क्या हो जाता है? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी के अंदर होता है भौतिक परिवर्तन। बाकी अंडे पकना, केक का बनना, केले का सड़ना, इन सब में होता है रासायनिक परिवर्तन। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन कैसा महसूस करते हैं? किसके अंदर पूछा गया है? अंतरिक्ष यान के अंदर पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्री अपना वजन किस तरीके से महसूस करते हैं? ज़्यादा, कम, शून्य या फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटलेस, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वजन बोलते हैं अपन W बराबर mg को, मास इंटू ग्रेविटी। जब इस अंतरिक्ष यान के अंदर ग्रेविटी आपकी जीरो रहेगी तो आपका जो वेट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली जीरो। निम्न में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है?
कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, आरएच फैक्टर, डिब्बाबंद प्रोटीन कोट। तीसरा है आरएच फैक्टर, क्या आंसर बनेगा? बिल्कुल सही है आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल का किसी प्रकार का इसमें रिलेशन नहीं होता है, आरएच फैक्टर ब्लड से रिलेटेड करते हैं, विलियम हार्वे वगैरह ये ब्लड दिया गया था। सही चल रहा है, बफरिंग नहीं हो रही शायद छत्रपाल यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है, अपन मेमोरी को मेजर करते हैं, मेमोरी को मेजर करते हैं, तो कौन सी एक यूनिट है जो संबंधित नहीं है? जीबी, टीबी, एचबी, जेडबी। मेमोरी के माप से संबंधित नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा एचबी कुछ नहीं है, बल्कि जेट्टा भी होता है और यट्टा भी होता है, वाईबी भी होता है, जेडबी भी होता है, लेकिन एचबी ऐसा कुछ यूनिट नहीं है। ठीक है, जेड बी यानी जेट्टा बाइट हो जाएगा, और जेट्टा जेड ई डबल टी है, और एक बाइट में होता है 8 बिट, एक बाइट में होता है 8 बिट ध्यान में रखना है, और 4 बिट का बनता है निब्बल, एक निब्बल में होता है 4 बिट, ये दोनों एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक निब्बल में 4 बिट और एक बाइट में 8 बिट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से ही प्रक्षेपित किया गया था? ध्यान देना है, इसरो का इतार और इसरो के द्वारा ही किसी खुद के बनाए हुए ये वाहन से छोड़ा गया था। आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर वन या इनसेट वन? भारत निर्मित प्रक्षेपण वाहन से ही प्रक्षेपित किया गया था, आंसर हो जाएगा रोहिणी। ये टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, भारत निर्मित, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना रोहिणी, और भारत का सबसे पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर के अंदर ब्लड निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ब्लड नहीं जमने के पीछे रीजन क्या है? फाइब्रिनोजेन, हीमोग्लोबिन या हिपेरिन, या इनमें से कोई नहीं। ब्लड किसकी वजह से नहीं जमता है तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा हिपेरिन की वजह से, ध्यान में रखना है हिपेरिन। और इसके लिए जो विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है रक्त का थक्का बनाने के लिए वो होता है विटामिन के। हमारी हड्डियाँ और दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट, यह फ्लोरो, यह क्लोरो, यह हाइड्रोलिथ। हड्डियाँ और दांत किसके बने हुए होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, आंसर हो जाएगा ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला हो जाता है CA3PO4 का ट्वाइस, ये तो हो गया ट्राइकैल्शियम और ये हो गया फॉस्फेट, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्मूला देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाएगा उसका नाम भी कोबालेमीन है, उस विटामिन का नाम भी कोबालेमीन है, ध्यान में रखना है आपको, बताइएगा किसके अंदर होता है। बिल्कुल सही आंसर है विटामिन B12, और इसको अपन कोबालेमीन ही बोलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है, लार्जेस्ट पुष्प आपसे पूछा गया है? रिफ्लेसिया या वोल्फिया, इनमें से बताएगा लार्जेस्ट कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए या बी में से? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेसिया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्लेसिया, और सबसे छोटा हो जाएगा वोल्फिया। रिफ्लेसिया लार्जेस्ट, वोल्फिया स्मॉलेस्ट। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो रोग है किसकी कमी से होता है? आयोडीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी या विटामिन डी। एनीमिया जो रोग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड की कमी से एनीमिया होता है जो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पे स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। हार्ट के नीचे, पेट के नीचे, मस्तिष्क के नीचे या अवटू के नीचे? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, कहाँ पे स्थित होती है? आंसर हो जाएगा ब्रेन, मस्तिष्क के नीचे, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, देखिएगा अंतःस्रावी पूछी गई आपसे, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या एड्रेनल। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है अंतःस्रावी? आंसर हो जाएगा थायराइड, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो या लड़ो या मरो हार्मोन कहलाता है?
ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या एड्रेनालिन। लड़ो या उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एड्रेनालिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी एड्रेनालिन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, जो एंडोक्राइन भी हो और जो एक्सोक्राइन भी हो, दोनों? पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, टेस्टिस, किडनी। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर लैंगरहंस द्वीप होता है, उसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं होती है। अल्फा से ग्लूकोजन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। मानव रक्त का, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 6, 7.4, 8, 8.4। पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। स्केल की रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक होती है, ध्यान में रखना पीएच स्केल होती है 0 से 14 और रिएक्टर स्केल होती है 0 से 1 से 10। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 7.4, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्का सा क्षारीय होता है। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। प्रोटीन किसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। ओंकोलॉजी किसका ध्यान है? ओंकोलॉजी, देखिएगा किसी के आगे अगर लॉजी लग जाता है इसका मतलब अपन बोल देते हैं स्टडी या साइंस बोल देते हैं अपन। जनसंख्या, पक्षी, कीट, कैंसर, ओंकोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कैंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर या फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुई पाश्चर ने की थी रेबीज किट की खोज, चेचक किट की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर ने और दूध का पाश्चराइजेशन दिया था लुई पाश्चर ने। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड। एंजाइम्स को अपन क्या कहते हैं मूल रूप से? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। निम्न में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है? अंडे का बाहरी आवरण, लकड़ी का बुरादा, चाय का बैग या मछली की हड्डियाँ? सहायक खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है, क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोन ऑफ फिश, मछली की हड्डियाँ, ऑप्शन नंबर डी। खाद अपन खेतों के अंदर डालते हैं उसके सहायक के रूप में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है एक्सरे की इमेज को जोड़ता है, स्कैनिंग करते हैं तब ये पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। तीसरा कह रहा है कि 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है और सामान्य और असामान्य स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान है। सीटी स्कैन के बारे में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ये पेनफुल है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा अक्षर की तरह होता है। तो इसमें ए सी डी तीनों सही है। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? मोबाइल फोन टच सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है, फिंगर टच, वॉइस रिकॉग्निशन, ग्लव टच या लाइट ट्रांसमिटेंस? आंसर हो जाएगा बी वॉइस का, मतलब ये सीधा सा सीधा किससे रिलेटेड है? वॉइस से। CMOS क्या होता है? CMOS क्या होता है फुल फॉर्म बताइएगा, किसी को पता है तो कमेंट में। बैटरी के द्वारा चलने वाली मेमोरी चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस या कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बनेगा CMOS? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये एक मेमोरी चिप है और CMOS चिप का यूज करके अपन बनाते हैं क्या IC, इंटीग्रेटेड सर्किट अपन जिसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करो तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। इसके द्वारा अपन IC बनाते हैं, जिस तरीके से जर्मेनियम सिलिकॉन का यूज करते हैं उसी प्रकार CMOS का यूज करके अपन IC को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत चिप, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत चिप। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? ध्यान देना है, एक तो टर्म्स होती है एनोडाइज, एक होता है गैल्वेनाइज, एनोडाइज और गैल्वेनाइज। तो प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंग लगने से बचाने के लिए। एनोडाइज में एल्यूमिनियम काम में लेते हैं और गैल्वेनाइज में अपन काम में लेते हैं लोहे के ऊपर जिंक की परत। गैल्वेनाइज में अपन काम में लेते हैं लोहे के ऊपर जिंक की परत। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है? मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण कौन करता है? एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म या एथनोबॉटनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? कंट्रोल रॉड बोलते हैं, हमेशा काम में लिया जाता है कैडमियम की छड़े। कैडमियम की छड़े कंट्रोल रॉड के रूप में काम होती है और वो करती है चैन रिएक्शन को कंट्रोल करती है और अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के उत्कों की जांच को क्या कहा जाता है? कैंसर के उत्कों की जांच के लिए क्या कहा जाता है बताएगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर किसी पार्ट के अंदर कैंसर डिजीज हो गई तो उसकी उसकी जो जांच की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी या रेडियोग्राफी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो टर्म्स होती है, एक तो होती है ऑटोप्सी, एक होता है बायोप्सी, दोनों का आपको पता होना चाहिए। बायोप्सी किया जाता है हमेशा जिस तरीके से ह्यूमन जिंदा है, जिंदा है तब किया जाता है बायोप्सी। अगर मृत शरीर है जिसे अपन कहते थे पोस्टमार्टम करना है तो मृत शरीर का किया जाता है हमेशा ऑटोप्सी, और तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, नजदीक से तो देख सकता है दूर से नहीं देख सकता, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ये प्रॉब्लम होती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मायोपिया, ऑप्शन नंबर सी मायोपिया। अवतल लेंस का यूज करके इसको करेक्ट किया जाता है, आंसर हो जाएगा मायोपिया। इसके अतिरिक्त जो इसका जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं अपन हाइपरमेट्रोपिया। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान में रखनी है धातुओं की। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपन रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखिएगा, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है किसकी? मेटल्स की। इसमें आप देखोगे ये तो हो गया मोस्ट रिएक्टिव, ऊपर ही ऊपर तो है आपका मोस्ट रिएक्टिव और नीचे नीचे है आपका लिस्ट रिएक्टिव। अब क्वेश्चन ये पूछा कि हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन आ गया अपना यहाँ पे। अब हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर है ये सभी के हैं मोस्ट रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये नीचे वाले की भी ध्यान में रखना है, तीन चार इनकी पूछ ली जाती है रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ होती है कितनी होती है, तो आपको बताना है लिस्ट रिएक्टिव होते हैं कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया? सबसे ज़्यादा हो गया आपका पोटेंशियम। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है और ध्वनि आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्यान में रखना एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश किस तरीके की अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होगा बिल्कुल सीधी और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसको बोलते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? इसको कौन सी घटना है वो साबित कर रही है? प्रकाश का फैलना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीकरण। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जक मानकों का कौन सा चरण लागू है? अब इसको भूल जाएगा, 1 अप्रैल 2020 चल रही है, 1 अप्रैल 2020 से कौन सा BS लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से BS का मतलब भारत स्टेज बोलते हैं अपन, रोडवेज बस वगैरह होती है उनके ऊपर लिखा होता है, आपने कभी नोट किया हो तो BS 3, BS 4, BS 5। अभी ये अभी जो चल रहा है 4-5 चल रहे हैं और अभी 1 अप्रैल 2020 से 6 लागू हो जाएगा, ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 2020 डेट आपको ध्यान में रखनी है, BS 6 दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। निम्न का सही मिलान कीजिएगा, पेट्रोलियम इथर, पेराफिन मौन, एसफोल्ट कॉक, गैसोलीन। साथ में आंसर आ गया तो आंसर देख लेते हैं,
पहले का अपना आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम इत्र है, इसका जो यूज किया जाता है वो ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम है, मोम का यूज किया जाता है कॉस्मेटिक के अंदर। और जो एसफॉल्ट और कॉक होता है इसका यूज किया जाता है हमेशा छत, सड़क निर्माण और इलेक्ट्रोड में। और लास्ट है गैसोलीन, गैसोलीन का यूज किया जाता है एज ए ईंधन। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 दुनिया का पहला, और सोवियत यूनियन ने इसको लॉन्च किया था, ध्यान में रखना किसने लॉन्च किया, सोवियत यूनियन ने। और 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957 ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। स्पुतनिक 1 सोवियत यूनियन और 1957, स्पुतनिक 1 सोवियत यूनियन 1957, इनका मिलान करना है। गाइज आंसर आ रहे उस पर थोड़ा सा हाइड कर लीजिएगा आंसर को अपने हाथ से, साथ में आंसर देना आपको। इनका मिलान करना है क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, यूरिया और वॉशिंग सोडा। इनके अपने को फॉर्मूले बताने इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ से फॉर्मूले जरूर एक जरूर आपसे पूछा जा सकता है। क्या आंसर बनेगा, तो आंसर हो जाएगा क्विक लाइम का क्या बनेगा, क्विक लाइम का बनेगा अपना CaO, क्विक लाइम का बन जाएगा CaO। और अपना जो सिलेक्ट लाइम है उसका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। वॉशिंग सोडा का अपने को पता है Na2CO3 होता है, यूरिया का हो गया ये, और धावन सोडा का, वॉशिंग सोडा को अपन बोलते हैं धावन सोडा भी बोल देते हैं, और एक होता है इसको बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट भी, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका बन जाता है NaHCO3। निम्न में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, कोयला, तेल, पीट और बिजली। आज का जीके का सेशन बैक टू बैक ही चलेगा, 1:30 की जगह आपका जीके सेशन हो जाएगा 9:30, साइंस के जस्ट बाद आपका जीके सेशन लाइव चलेगा, तो ध्यान रखना है टाइमिंग का, रेगुलर बेसिस के ऊपर अपना टाइम यही रहेगा अब। और 1:30 पे आपकी राजस्थान जीके चलेगी, राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। निम्न में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, तेल, पीट और बिजली। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे उसमें सबसे गर्म, मरकरी, विनस, पृथ्वी और मार्स। बुध होगा या शुक्र होगा बताइएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा माना गया है, बुध या शुक्र। आंसर हो जाएगा अपना विनस, शुक्र। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा CO2 गैस मौजूद होती है, और CO2 गैस होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ओनली। लिक्विड कागज क्या है, लिक्विड कागज वो कागज होता है जिसे अपना वाइटनर बोलते हैं, वाइटनर बोलते हैं उसको, बोलते हैं लिक्विड कागज। शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का लिक्विड पदार्थ जिससे कोई भी अपन ने प्रिंटिंग कर दी उसको वापस से करेक्ट करना है, उसको बोलते हैं अपन लिक्विड कागज, वाइटनर। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गए हैं, कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो चुका है, स्कॉग, पोल्यूटेंट, क्लॉग या स्मॉग। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है APGAR स्केल क्या होता है, आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है APGAR स्केल क्या होता है। पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, APGAR स्केल क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। और इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, एक का मतलब अपीयरेंस किस तरीके से दिख रहा है, पी का मतलब पल्स, जी का मतलब ग्रिमेस, ए एक्टिविटी रेस्पायरेशन, तो ये आपको फुल फॉर्म भी यहाँ से आप देख सकते हो। APGAR स्टैंड फॉर अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पायरेशन। इन द टेस्ट 5 things आर यू टू चेक ए बेबीज हेल्थ, एक बेबी की हेल्थ चेक करने के लिए ये 5 चीज़ें काम में ली जाती है APGAR स्केल में। काला सोना क्या होता है, एप्रिस्क्रिस सोना, पेट्रोल, कोयला, कार्बन। काला सोना, ब्लैक गोल्ड, आंसर हो जाएगा पेट्रोल। विनेगर किससे बनता है,
सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर किससे बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड से, CH3COH। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। जल विद्युत क्या करता है? हाइड्रो पावर प्लांट होता है अपना, उसमें क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसके अंदर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि फ्लो होते हुए जो वाटर आता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंट, गुरगुराहट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पपरफिश, पोर्कुपाइन, क्या आंसर बनेगा सबसे जहरीली मछली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपरफिश। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है प्रेशर को मापने के लिए? आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, और दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। हीरा किसका सख्त रूप है? हीरा किसका सख्त रूप है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकरी या कार्बन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुजरीन। जीन्स के निर्माण और विपणन का श्रेय किसे जाता है? जीन होते हैं उसका जो निर्माण और विपणन का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस, लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेवी स्ट्रॉस। जीन्स की बात हो रही है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर, तो गाइस यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा एडा लेवरेस, एडा लेवरेस, एडा लेवरेस प्रोग्रामर पूछा गया, और टीम बर्नर्स-ली ने क्या दिया था? WWW, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा एडा लेवरेस, ऑप्शन नंबर बी, पहला प्रोग्रामर। कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब अपनी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर वाली, उसको बोलते हैं। आंसर हो जाएगा मॉनिटर, मॉनिटर को अपन बोलेंगे आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? पेटा, योटा, टेरा, गीगा, सबसे बड़ा साइज कौन सा है? आंसर हो जाएगा योटा। और इसमें आप देख सकते हो, देखिएगा, मैंने आपको बताया था जेटा भी बताया था और योटा भी बताया था। योटा में हो जाता है 10^24 और जेटा में होता है 10^21। तो किलो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केबी में होता है 8 बिट, निबल में होता है 4 बिट। कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा अपना? क्यूबेसिक, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्यूबेसिक। इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे प्रोसेसर, प्रोसेसर है ये, एक इनपुट डिवाइस नहीं है आपका। वेब कैमरा, बीसीआर, अपन जो रीडिंग करते हैं, बार कोडर रीडर, बीसीआर को बोलते हैं बार कोडर रीडर, जो लाइनें होती है उनको बोलते हैं बार। डिजिटाइजर, ये सभी के सभी है आपकी इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। AAU जिसका मतलब है एजेंड अमाउंट्स यूनिट्स, क्या निर्धारित करता है? एजेंड अमाउंट यूनिट ये करता है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को निर्धारित किया जाता है AAU के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, WWW, टिम बर्नर्स-ली। एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कौन करता है? एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, एल्गोरिथम आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इस तरीके से होता है, पहली टर्म्स क्या होगी, आगे वाली टर्म्स क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में एग्जाम देंगे, कॉलेटर आएगा, एग्जाम देंगे, इस तरह की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। निम्न में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? डायबिटीज होता है, किसकी वजह से होता है, किसका लेवल बढ़ने की वजह से डायबिटीज होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी। रिवॉल्वर का आविष्कार
कौन है रिवॉल्वर पिस्तौल का आविष्कार किसने किया? विलियम हंट, रॉबर्ट गोडाई, हेनरी ओगले, सैमुअल कॉल्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कॉल्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सैमुअल कॉल्ट ध्यान में रखना है, रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट। तो गाइज ये था अपना आज का सेशन और 9:30 AM के ऊपर आपका चलेगा जीके सेशन। तो देखिएगा टाइम चेंज हो चुका है आपसे, 9:30 AM जीके सेशन और 8:30 AM अपना है GS सामान्य विज्ञान सेशन। तो गाइज वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी अपन इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्निकल क्विज भी इसी तरीके से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।